हेलो वर्गोस वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो और ये रीडिंग है फिफ्थ ऑफ जनवरी से लेके इलेवेंथ ऑफ जनवरी तक की तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में सो मैसेजेस फॉर वर्गोस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में Eight ऑफ वाटर Messenger ऑफ एयर Nine ऑफ वाटर Fool, एंड Nine ऑफ एयर So Virgos, Nine ऑफ एयर नाइन ऑफ एयर की एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकती है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कि कोई आपको सुन नहीं रहा चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी कह रहे हैं आपको अनोटिस सा फील हो रहा हो सकता है अपने रिलेशनशिप में स्पेशली इस पर्सन की तरफ से आपको ये महसूस होगा जैसे कि ये पर्सन आपके एफर्ट्स को अनदेखा कर रहा है चाहे आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ये फील कराने की कि आप उनसे प्यार करते हैं और इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हैं अपना प्यार शो कर रहे हैं ये पर्सन किसी भी चीज को नोटिस करता हुआ लग ही नहीं रहा लग रहा है जैसे कि उनके लिए ये रिलेशनशिप उतना मायने नहीं रखता जितना कि आपके लिए एंड uh, ये सिचुएशन बहुत पेनफुल हो सकती है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये सब कुछ uh, काफी लंबे समय से चल रहा हो सकता है बिकॉज मैं यहाँ पे देख रही हूँ मैसेंजर ऑफ एयर तो लगता है जैसे कि आप लगातार कोई ना कोई निशान ढूंढ रहे हैं जिससे आपको ये लगे कि ये पर्सन भी उतना ही इंटरेस्टेड है या इस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब है ये पर्सन वाकई में आपसे प्यार करता है तो बेसिकली मैं कहूँ तो इस पर्सन ने अपने बिहेवियर के वजह से आपको इनसिक्योर बना दिया है आपको लगातार ऐसा महसूस होता रहता है कि यह रिलेशनशिप आप कभी भी लूज कर सकते हैं या इस पर्सन को आपकी परवाह नहीं है या मे बी ये पर्सन दूसरों के सामने आपको कम समझता है या कंपेयर करता है दूसरों से इनके पास दूसरी प्रायोरिटी है दूसरी चीजें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये पर्सन इग्नोर करके शायद ये महसूस करवा रहा है कि आप इग्नोरेंस के ही लायक हैं आप यही डिजर्व करते हैं मे बी मेरे को आप ये तक सोच रहे हैं कि आपसे गलती कहाँ हुई आपको क्या करना चाहिए था कि ये रिलेशनशिप बचा रहता किस तरीके से आप इसे संभाल सकते थे यारो आपसे कह रहा है ये सोचना बंद कीजिए कैंसर बिकॉज जो भी हो रहा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है इनफैक्ट आप इस रिलेशनशिप में इतने दिनों तक रह गए ये अपने आप में बड़ी सरप्राइजिंग बात है बिकॉज मैं यहाँ एट ऑफ वाटर देख रही हूँ ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बार बार आपको कमिटमेंट देता रहा लाइक like, आप जरूर आप दोनों तो नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे जरूर शादी कर लेंगे ये रिलेशनशिप अपने अंजाम तक पहुंचेगा गोल तक पहुंचेगा आप वेट करते रहें अपनी तरफ से एफर्ट करते रहे जो चीजें वो चाहते थे कि आप बदले एडजस्टमेंट करें ताकि ये रिलेशनशिप वर्क कर सके आप सब कुछ करते गए टेन ऑफ वॉटर में से एट ऑफ वॉटर आपने ही ऑफर किए आप ही आगे बढ़कर संभालते गए इस रिलेशनशिप को जस्ट बिकॉज आपको उम्मीद थी कि ये पर्सन अपनी बातों पे खरा उतरेगा अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा बट वर्कआउट आपसे कह रहा है कि आप कब तक इन चीजों को अवॉइड करते रहेंगे मे बी आप किसी सपने को लेके इतने ज्यादा इमोशनल है इतना ज्यादा अटैच है उस ड्रीम से कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये पर्सन शायद आपका एडवांटेज ले रहा है ये पर्सन आपके सेल्फ एस्टीम को हार्म कर रहा है आप इस रिलेशनशिप में रह के सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आपको ये पर्सन Um, किसी ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है या मे बी आप इनके लिए सेकेंड इंटरेस्ट हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लाइक like हर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही होगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बट इस पर्सन को लगता है कि लव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दूसरी प्रायोरिटीज है इनके लाइफ में आपका हर सेल्फ आपसे पूछ रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप में आप खुश रहेंगे मैन ऑफ वाटर के साथ ये वो चीज हो सकती है जो आपने बहुत दिल से मांगी थी आपको जिसके पूरे होने की उम्मीद थी क्यों क्योंकि आपको लगता था कि ये आपके सपनों को पूरा करेगा लाइन ऑफ वाटर उस परफेक्शन को दर्शाता है उस ड्रीम को दर्शाता है जिसे देखकर हम आगे बढ़ते जाते हैं और जो हमारा मोटिवेशन होता है बतो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये पर्सन जो इस वक्त आपके लाइफ में है मतलब अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो अगर वाकई में आपकी ऐसी सिचुएशन है तो अदरवाइज आपको इस रीडिंग को अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है तो क्या ये पर्सन वो है जो आपको वैसा फ्यूचर क्रिएट करके दे सकता है सोचिए जरा आप शायद इस पर्सन से इसलिए कमिटेड है बिकॉज आप इमोशनली उनसे अटैच हो गए हैं और शायद आपको कुछ खोने का डर है इसीलिए आप इस लाइन ऑफ एयर वाली सिचुएशन में फंसे हैं याद रखिए है आपके पास ये विंग्स है ओके okay? आप उड़ सकते हैं बट मे बी उड़ना इस वक्त आपको पॉसिबल नहीं लग रहा आपको लग रहा है जैसे किसी चीज ने आपको ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है किसी चीज ने आपको बांध रखा है बट चिंता मत कीजिए जल्दी ही फूल की एनर्जी टेक ओवर करेगी आपको यह महसूस होगा कि आप चाहे तो किसी भी बंधन से छूट सकते हैं आप चाहे तो कुछ भी बदल सकते हैं और आप चाहे तो अपने आप को फ्री कर सकते हैं ओके सो so, फूल का कार्ड शो करता है रेकलेसनेस को फियरलेसनेस को अपने मन को फॉलो करना अपने इंट्यूशन को फॉलो करना मतलब किसी भी तरीके का फियर नहीं इस पर्सन को खोने का भी नहीं पलटो चारो आपसे कह रहा है कि अपने बारे में सोचिए और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने बारे में सोचने से आप सेल्फिश नहीं बनेंगे ओके okay? हालांकि ये एक जर्नर रीडिंग है ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ट्वेंटी के फर्स्ट क्वार्टर का लिंक तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मेस्टेस है आपके लिए वर्क हाउस द एम्पेर टू ऑफ फायर टेम्पटेशन, पेज ऑफ फायर एम साम ओके सो हमारे पास है टेम्पटेशन टेम्पटेशन का कार्य यहाँ पे तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अट्रैक्टेड है ऐसा नहीं है वर्गो की यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है या फिर इस पर्सन को आपकी परवाह नहीं है बट एक चीज में यहाँ बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ वो ये कि इस पर्सन को आपकी बॉडी में ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है आपके अपीवेंस में ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है ये फिजिकल लस्ट के बारे में है ये फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में है इमोशंस अभी उस लेवल पे नहीं है उतना डेवलप्ड नहीं हुआ है इस पर्सन के कि ये पर्सन सोच सके कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं या कैसा फील कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आपका अपीरियंस पसंद है यहां पे ये पर्सन देख रहा है कि आप कितना परफेक्ट है बट एट द सेम टाइम ये पर्सन कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता कुछ भी सीरियस नहीं चाहता बिकॉज उसका मतलब होगा एक्स्ट्रा एफर्ट टू ऑफ फायर के साथ ये पर्सन शायद आपको लॉस्ट महसूस करवा रहा है आप जितना ज्यादा इस पर्सन के क्लोज जाना चाह रहे हैं उतना ज्यादा ये पर्सन दूर होता हुआ नजर आ रहा है ये पर्सन आपसे रहा हो सकता है ये फॉग है यहाँ पे तो मे भी ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है नजर नहीं आना चाहता क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ उनकी फ्लॉज भी नजर आएंगे उनकी कमियां उनकी गलतियां भी नजर आएगी द एम्पर के साथ ये पर्सन बहुत डॉमिनेटिंग हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि वो जब चाहे रिलेशनशिप में आ सकते हैं और कहीं जा सकते हैं एंड किसी को कोई परेशानी नहीं होगी फेज ऑफ फेर के साथ वर्ग इस पर्सन ने आपकी लॉयल्टी को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लिया है उन्हें लगता है कि आप इतने लॉयल है कि यह सन कभी दूर जाएगा ही नहीं और जब वो चाहेंगे उनके लिए ये सनलाइट रहेगी ये वार्म और लव रहेगा आपका ओके चलिए देखते आपके लिए और एक मैसेज चाहे वर्ग मास्टर चीजस फॉरगिवनेस यू आर ऑन द पार्थ ऑफ लाइथ लव एंड फॉरगिवनेस फॉर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम सो अगर आपको ये रिलेशनशिप टॉक्सिक लग रहा है तो पुरानी बातों को भूल जाइए पुरानी बातों को इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ जाइए क्योंकि जब तक आप पुरानी बातों को अपने मन के अंदर कैरी करेंगे मुश्किल होगा हील करना ओके एंड दिस पर्सन को तो इनका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा यूनिवर्स हमेशा ये श्योर sure करता है इस बात पर भरोसा रखिये और अपने वेलबींग well के बारे में सोचिए तो so, यह रीडिंग इस वीक की आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नेक्स्ट वो आओ बाय